सो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाग विधि में जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो भाग करते समय बहुत ही काम आते हैं, ठीक है। या फिर कई बार आपके सामने से निकलती चीज़ देखा होगा इन शब्दों को कि में है, दो में चार से भाग दो, दो को चार में भाग दो, या दो में चार का भाग दो। तो ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए होगा क्योंकि अभी जब आप थोड़ा सा जब आप नई क्लासों में जाएंगे तो इस तरह के शब्द से आपका सामना तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यार कब चीज़ें मैं कब किस चीज़ कौन सी संख्या से किस संख्या में भाग दूँ, कौन सी चीज़ें मेरी बटे के अंदर आए बटे में आएंगी, किस चीज़ को मैं अंश के रूप में ले सकता हूँ, या कौन सी चीज़ें मेरी हर के रूप में होंगी। तो इसको समझने के लिए ना आपको इन शब्दों से गुजरना तो पड़ेगा, ठीक है। और इन शब्दों का मतलब भी आपको पता तो होना ही चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको कुछ नया सीखने की अगर आपकी आदत है ना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की अगर आपने मेरा अंश और हर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि अंश और हर यानी बटे वाली चीज़ों का कैसे जोड़ होता है या घटाव होता है, किस तरह से हम लोग गुणा करते हैं, वो सब मैंने अच्छी तरह से समझाया और काफ़ी अच्छे डिटेल में मैंने उसको समझाया, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, आसान भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो मैं से का और ये जो को है ना, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं, चार टाइप टोटल बनते हैं, वो चारों के चारों टाइप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चार सवाल में मैंने चार सवाल इसके जो है बना दिए। तो पहला सवाल है कि दो में चार से भाग दो, ठीक है, यह है मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा है कि चार में दो से भाग दो। अब दोनों लगेगा कि एक ही जैसा है कि दो में चार से भाग दो, चार में दो से भाग दो, तो लगेगा कि दोनों एक ही है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। दोनों के अंक जो है ना उनको सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी है। लेकिन देखिएगा कि जब पोजीशन भी सिर्फ मैं अगर चेंज करता हूँ ना तो भी आपका आंसर कैसे बदल जाता है। ये तो हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल मेरा है कि चार को दो से भाग दो, ठीक है। इससे पहले मैं और से में चल रहा था, अब को और से के बीच में संबंध पढ़ना है कि चार को दो से भाग दो। तीसरा है चार में दो का भाग दो, चार में दो का भाग दो। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि भाग हम लोग कैसे देते हैं कि भाग जब भी हम लोग भाग करते हैं तो उसमें एक होता है मेरा डिवाइडर यानी भाजक, एक होता है मेरा भाज्य, एक होता है मेरा भागफल आता है, और एक होता है शेषफल। लेकिन अगर सवाल मान लो अगर ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, ठीक है, अगर खाली ऐसा लिखा हो कि दो में चार से भाग दो और मैं ऐसा लिख दे दूँ, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि यार दो अगर मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दे दूँ तो इससे आप क्या समझोगे कि आप ब्रैकेट के भाग के अंदर क्या लिखोगे, दो को चार से भाग दोगे ये लिखोगे, या चार को अंदर रखोगे दो को बाहर रखोगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यार खाली इतना दे दिया और इस पर से मैं क्या लिखूँ, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो में आप कहते हैं ना कि जो डिवाइड होता है ना उसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड जो होता है ना, ये होता है, इसका मतलब होता है कि दो में चार से भाग देना है, दो में चार से भाग देना। तो इसको लिखें कैसे, तो जो अब इसको अगर मान लीजिए लिखें कैसे, अगर मान लो ये नहीं दिया है और आपको सिर्फ ये दे दिया है, ये ना दे के सिर्फ ऐसे लाइन एक लाइन दे दे कि दो में चार से भाग दीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पीछे से आता है ना वो हमेशा बटे के नीचे होती है, जिसके पीछे से वो बटे के नीचे, और जिसके पीछे में वो बटे के ऊपर, फिर से जिसके पीछे से वो बटे के नीचे, जिसके पीछे में वो उसके बटे के ऊपर। और इसको अगर मैं ऐसे ना लिख के अगर कुछ इस तरह से लिखूंगा तो क्या होगा, जिसके पीछे में मैंने क्या बोला वो बट घर के अंदर, इसको ऐसे समझिए कि ये कोई छोटा सा घर है और ये छत के नीचे है, ठीक है, ये मेन गेट है ये छत है, तो जिसके पीछे मैं होगा वो घर के अंदर और जिसके पीछे से है वो क्या होगा घर के बाहर। तो चार से दो को तो भाग दे नहीं सकता, तो जीरो लगा के पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर चार पंचे 20 करूँगा तो क्या होगा मेरा आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो मेरा भागफल आ रहा है वो है 0.5। अब वही वही जो दूसरा सवाल है, ठीक है, यहाँ मैं दो में चार से भाग दे रहा था, अब अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि चार में दो से भाग दूँ, चार में दो से भाग दूँ, तब क्या आंसर, देखो देखिए यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 4/2 है, मतलब क्या है कि अब क्या हो रहा है कि अब लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है चार, राइट साइड में कौन आ रहा है टू। तो लेफ्ट साइड वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं, और राइट साइड वालों के लिए यूज़ करते हैं से, इसका मतलब क्या होगा कि चार में दो से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया, जिसके पीछे से वो घर के बाहर, यानी वो कहाँ आ जाएगा बट्टे के नीचे, जिसके पीछे से वो क्या होगा बट्टे के घर के बाहर यानी बट्टे के नीचे, और जिसके पीछे में वो क्या होगा घर के अंदर यानी बट्टे के ऊपर। तो इस तरह से चीज़ें आपको समझाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैं और से हो तो बट्टे के नीचे यानी घर के बाहर,
मैं हूँ तो घर के अंदर यानी बटे के ऊपर, जिसे ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तीसरा टाइप क्या है कि चार को दो से भाग दो। चार को दो से भाग मतलब क्या है कि मैंने बताया अभी, जिसके पीछे से है वो घर के बाहर यानी बटे के नीचे, से वाला बटे के नीचे यानी घर के बाहर। अब जो काम वहाँ पर मैं कर रहा था ना, मैं वाले में क्या था कि जिसके पीछे मैं आता था उसको हम लोग क्या करते थे कि बटे के ऊपर रखते थे या फिर घर के अंदर। अब वही मैं का काम क्या करेगा, को कर रहा है। तो कभी भी अगर किसी संख्या संख्या के पीछे को लिखा दिख जाए वो क्या आएगी, वो घर के अंदर यानी वो ये अंदर आ जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जिसके पीछे को है वो बटे के ऊपर यानी वो अंश की तरह काम करेगा, और जिसके पीछे से आएगा वो हर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये पहले हमने पढ़ा मैं और से, फिर हमने पढ़ा को और से, अब हम लोग पढ़ेंगे मैं और का। अगर कहीं से लिखे कि चार में दो का भाग दो, इसका मतलब क्या हुआ, जो काम वहाँ पर से कर रहा था ना वही काम अब यहाँ पे क्या करेगा, का कर रहा है। तो जिस तरह से में जिसके अंक के पीछे से आता था उसको हम लोग घर के बाहर यानी बटे के नीचे लिखते थे, उसी तरह से अगर किसी संख्या के पीछे का लिखा दिख जाए तो क्या होगा, वो घर के बाहर आ जाएगा यानी बटे के नीचे। और जिस संख्या के पीछे मैं आता है वो तो मैंने बताई है, जिसके पीछे मैं वो घर के अंदर और बटे के ऊपर। तो जिसके पीछे मैं आ जाए या को आ जाए वो क्या होगा, वो बटे के ऊपर होगा यानी घर के अंदर। और जिसके पीछे से आ जाए या का आ जाए वो क्या होगा, घर के बाहर यानी बटे के नीचे, वो हर की तरह काम करेगा। तो इसका ट्रिक क्या है, मैंने बता दिया कि जिसके पीछे से और का, जिसके पीछे जिस अंक के पीछे से आ जाए या का आ जाए उसको क्या रखना है, घर के बाहर, घर के बाहर यानी बटे के नीचे। और जिसके अंक के पीछे मैं और को हो, मैं और को हो उसको क्या करेंगे, घर के अंदर, घर के अंदर यानी घर के अंदर यानी बट्टे के ऊपर। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं को से और का क्या फ़र्क है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर आपको पसंद आता तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं आता पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको लगा या आप अगर आपको कुछ सीखने को मिला इसमें से, अगर आपने इससे पहले नहीं सीखे चीज़ें सीखी थी, इन सब चीज़ों से क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही लगने में बड़े बहुत ही आसान छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।